बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकराज मैजिक किचन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ फ्राइड चिकन एग टोस्ट की बहुत ही यूनिक और झटपट रेसिपी आपके साथ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 6 ब्रेड स्लाइसेस, 2 एग्स और 100 ग्राम चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। तमाम ब्रेड स्लाइसेस के एजेस रिमूव करके ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। एक प्लेट में 2 अंडे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ अ टेबलस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। जब आपके एग्स जो हैं आपके तमाम स्पाइसेस के साथ बहुत अच्छी तरह से नाइस फ्लफी बीट हो जाएंगे, उस स्टेज पे आपने इसके अंदर बॉयल्ड शर्डेड चिकन ऐड करना। मैंने इसे हल्का सा सॉल्ट डाल के बॉयल कर लिया और श्रेड कर लिया। इसको ऐड करके अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना, तो हमारा एग चिकन का मिक्सचर रेडी। अब ये हम एक साइड पर यूज़ कर लेंगे। दूसरी साइड के लिए हमने एक एग अलहदा से बीट कर लेना और ये हमारे सेसमी सीड्स हैं। एक साइड पर आपने प्लेन एग यूज़ करना है और दूसरी साइड पर हमने जो अपना चिकन और एग का बैटर रेडी किया उसको इस तरह से पूरे स्लाइस के ऊपर आपने स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने से पहले हम इसको सीड सेसमी सीड्स के साथ अच्छा सा डेकोरेट कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो हमारी प्रेजेंटेशन हमारे ये स्लाइसेस बहुत ही प्यारे लगे। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। आपने प्री हीट कर लेना ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर। इनको फ्राई भी आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है। अप साइड डाउन इसको ऐड करेंगे और बैक साइड पर भी थोड़े से सेसमी सीड्स ऐड कर लेंगे। अब अपने इसको तकरीबन 2 मिनट ईच साइड आपने इसको फ्राई करना है। फिर इसकी साइड को चेंज कर लेना और लाइट गोल्डन कलर में होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना और बहुत ही मज़ेदार हमारे क्रिस्पी गोल्डन कलर में हमारे ये चिकन एग स्लाइसेस रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच वगैरह में, अफ्तार में, हर तरह से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपीज़ को मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।